जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जिस चीज़ का हमें इंतज़ार होता है, जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लगती है, गुरु जी उसको भी पॉसिबल कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन कुछ भी गुरु जी के सामने इम्पॉसिबल नहीं है। गुरु जी हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर ही देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और साथ में बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस भी दिए हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे आंसर्स भी मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 मार्च से शुरू हुई थी। उसके बाद से गुरु जी ने हर रोज़ कोई ना कोई मेरे साथ चमत्कार कुछ ना कुछ हमेशा किया है। बस मैं ही मतलब होता है नादान बच्चे, हम शुक्राना करना भूल जाते हैं या शुक्राना नहीं करते। तो आज यही है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी को लेके बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है। मेरी 6 महीने ही शादी मतलब मैं वहाँ पे रही हूँ अपने इन लॉज के पास, और अब मेरे को 3 साल हो गए मैं वापस आ चुकी हूँ। पर 3 साल से मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा था, फाइल नहीं हो रहा था। अब क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं, वो तो गुरुजी ही को ही पता है। और गुरुजी की कृपा से इस बार ये अगस्त में अब काम शुरू हो गया, डिवोर्स फाइल हो गया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को ये काम बहुत ही मुश्किल लग रहा था, बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि हमारे घर में कैसे किसी का भी कोई डिवोर्स या कोई वकील कोई कचहरी वाला पंगा किसी का नहीं हुआ, ये मेरा ही ऐसे प्रॉब्लम हुई है। तो कैसे बात करते हैं वहाँ जाके, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो बहुत डर लग रहा था। पर गुरुजी की कृपा से आराम से वहाँ पे नॉर्मल काम हो गया, तो अब वो डिवोर्स फाइल हो गया है। अब बस लास्ट हियरिंग होनी है और उसके बाद पूरा पक्का फाइनल हो जाएगा। उसका ही मैंने शुक्राना करना है गुरुजी को कि गुरुजी ने वो काम करवाया, शुरू करवाया और उसको अपने लास्ट सिरे तक फाइनल तक करवा दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और उसके साथ ही मेरा दूसरा शुक्राना ये है कि हम लोग अभी आउटिंग पे थे, बाहर थे, तो बाहर से जब हम घर पे आए तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनको लूज़ मोशंस वगैरह लग गई थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी क्योंकि वो वीकनेस बहुत फील करने लगे थे। तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था पहले भी, बहुत से सत्संग सुने हैं कि गुरुजी का चंदन जो होता है वो लगाना चाहिए जहाँ पे आपके मतलब दर्द वगैरह हो। तो मैंने यही सोच के कि गुरुजी अब आप ही देखो, रात का टाइम है तो हम इनको कहाँ डॉक्टर पे लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मैं बहुत रो रही थी। तो मैंने गुरुजी से वो मेरे को एकदम दिमाग में वो चंदन वाला का आया कि चंदन लगाना चाहिए। तो मैंने गुरुजी के चंदन पैरों पे लगा के और गुरुजी को बोला, मैंने मम्मी के पेट पे लगाया कि इनको शांति करो, इनके जो लूज़ मोशन है वो ठीक करो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके बाद ये हुआ कि थोड़ी देर बाद मम्मी को उससे आराम मिलना शुरू हो गया। उसके बाद मम्मी सिर्फ एक बार ही गए हैं लूज़ मोशन जो भी है, पर वो काफ़ी टाइम बाद गए हैं। पर वो है कि गुरुजी ने उस टाइम पे उनको उनके सिर पे हाथ रखा और उनको ठीक कर दिया। यही मेरे दो शुक्राना सत्संग है इस टाइम के। बाकी जब से मैं जुड़ी हूँ वो रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग तो है ही, होता ही है कुछ ना कुछ मिरेकल। आपको मैंने जब भी गुरुजी को याद किया तो मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, 777 ओम रूप में दर्शन
कबूतर रूप में दर्शन, मोर रूप में दर्शन, बहुत सारे दर्शन दिए हैं। बट हम ही नादान बच्चे होते हैं जो हम उनके शुक्राना नहीं कर पाते। बट गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो गुरुजी हमें हमारा पूरा साथ देते हैं और हमारी हर गलती को माफ़ भी कर देते हैं। और हमें बस यही करना चाहिए कि गुरुजी का हमेशा हमेशा शुक्राना करना चाहिए और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं अभी यहाँ पे अपनी वाणी को रोक समाप्त करूँगी यहाँ पे, और यही मेरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी इम्पॉसिबल चीज़ को कैसे पॉसिबल कर देते हैं। चाहे थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जब हम गुरुजी की संगत बन जाते हैं तो हर इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल होने लग जाती है। इसलिए हमें गुरुजी पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। और आंटी जी ने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि चंदन के तिलक की महिमा कितनी निराली है, ये तो हम सब ही जानते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी दर्द हो, तो हमें गुरुजी के चंदन के तिलक को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमने गुरुजी के चंदन के तिलक की महिमा के बारे में तो बहुत कुछ सुना है। गुरुजी के चंदन का तिलक यूज़ करने से हमारे रोग दूर हो जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए हमेशा जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी दर्द हो, तो हमें गुरुजी के चंदन का तिलक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि आंटी जी ने अपनी मम्मी जी के लिए किया। और आंटी जी ने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए, जिससे हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जितना हम गुरुजी से ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, उतना हमारे लिए ही अच्छा होगा। हमें ही जल्दी जल्दी आंसर्स मिला करेंगे। गुरुजी हमसे टेलीपैथी से बातें किया करेंगे, लेकिन उन सब के लिए हमें गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसलिए इन सब बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।